दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यूपी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, अब संविदा से शुरू होंगी सरकारी नौकरी। दोस्तों यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट का बहुत ही बेहुदा कदम है। दोस्तों ये आप क्या कहते हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करता है यूपी गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए, तो दोस्तों उनके लिए बहुत बुरी खबर है ये। जो जितने भी समूह आपके क्या कहते हैं खा और गा की भर्तियां हैं, उन सब में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 5 साल तक आप लोगों को संविदा के रूप में कार्य करना पड़ेगा और यदि आप उनके उसके बाद छटनी में बच जाएंगे तभी जाके आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, अर्थात परमानेंट आप होंगे, ठीक है। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके क्या कहते हैं शासन का जो कार्मिक विभाग है, इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशवरा भी स्टार्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर जो दूसरी ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर 6 माह पर मूल्यांकन, यानी हर 6 माह पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा और यदि साल भर में 60% से कम अंक है तो आपको दोस्तों नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आखिर कैसा नियम है यार, समझ में नहीं आता है गवर्नमेंट का। लेकिन उम्मीद यही है दोस्तों आप लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर के माध्यम से आप सरकार से जवाब मांगे, हैशटैग चलाइए दोस्तों सब लोग एक होकर, अन्यथा गवर्नमेंट आप लोगों को दोस्तों जीने नहीं देगी। आप लोग हम लोग इतने अच्छे से तैयारी करते हैं, जितना बेरोज़गार है वो सब तैयारी करता तो 4-4, 5-5 साल अपने जीवन के खपाता है। उसके बाद अगर उसे संविदा की नौकरी मिलती है, वो भी ये भी नहीं पता उसे कि उसे कब बाहर कर दिया जाएगा, तो आखिर कैसा बेहुदा मजाक चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, क्या कहते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर देखिए, PCS या PPS या PCS जे को इससे बाहर रखा जाएगा, जो आपके प्रादेशिक आपकी क्या कहते हैं प्रशासनिक सेवा है, जिनसे उनको खुद को काम करने की सलाह मिलती है, जो उन्हें बताते हैं, जैसे अनपढ़ तो होते ही हैं लोग, तो इनको सलाह देने के लिए जो है उसे बस ये परमानेंट रखेंगे। और पुलिस जो कि अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं ताकि सबकी आवाज़ दबा सके, तो उसे ये उस पर ये नियम नहीं लागू होगा और साथ में न्यायिक व्यवस्था पर वो भी, क्योंकि इनके अंडर में आती है। खुला मजाक चल रहा है, अगर करना है तो सब जगह करो, क्या है समूह खा और गा के बस विद्यार्थियों को करना है। जो गरीब है वो बड़े सपने नहीं देख पाता, वो सोचता है एक नौकरी मिल जाए, वो भी उनको अब नसीब नहीं होगी आराम से। और इसका दोस्तों सबसे बड़ा जो सरकार का तर्क क्या दे रही है वो भी देख लीजिए दोस्तों, कितना बेतुका है। सरकार का तर्क है नैतिकता और देशभक्ति मकसद है, राज्य कर्मचारियों को दक्षता बढ़ाने और उनकी नैतिकता देशभक्ति एवं कर्तव्य परायणता के मूल्यों का विकास करने तथा वित्तीय व्यवहार को कम करने के लिए उद्देश्य ये नियमावली प्रस्तावित की गई। दोस्तों कितना बेवकूफ़ मजाक है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोगों को दोस्तों एकजुट होकर सरकार के खिलाफ दोस्तों खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा सरकार आपको जीने नहीं देगी, बस मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी प्राप्त करनी या कोई कमेंट करना चाहते तो आप ज़रूर नीचे अपनी बात बताइए कि आपकी क्या सोच है और आप गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट को आखिर कैसे डिसीजन लेना चाहिए। और साथ ही दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर ट्विटर में कैंपेन स्टार्ट करिए, अन्यथा गवर्नमेंट आपको जीने नहीं देगी, आपके पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।